फायरिंग यूज ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव। तो क्या बोलता है, नो शॉट्स शैल बी चार्ज और फायर्ड इन द बिलो ग्राउंड वर्किंग इफ द एक्सप्लोसिव यूज इज नॉट ए परमिटेड एक्सप्लोसिव। अंडरग्राउंड माइंस में अगर परमिटेड एक्सप्लोसिव नहीं है तो हम लोग उसको फायर नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग परमिटेड एक्सप्लोसिव ही फायर करेंगे। लेकिन एक्सेप्ट किस केस को छोड़ के, जहां पर स्टोन ड्रिफ्ट कर रहे हैं, जहां पे कोई भी ड्राई कोल्ड डस्ट प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे परमिटेड एक्सप्लोसिव नहीं भी रहे ब्लास्टिंग कर सकते हैं। और दूसरा एक शाफ्ट है जो अभी बन ही रहा है, प्रोग्रेस में है, तो वहां पे भी हम लोग परमिटेड एक्सप्लोसिव ना भी रहे तो फिर भी हम लोग ब्लास्टिंग कर सकते हैं। ये दो चीज ध्यान रखना, अंडरग्राउंड में हमेशा परमिटेड एक्सप्लोसिव ही यूज करेंगे, लेकिन शाफ्ट के केस में जो अभी प्रोग्रेस में है, सिंकिंग हो रहा है, और दूसरा स्टोन ड्रिफ्ट जहां पे कोई भी ड्राई कोल्ड डस्ट प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे हम लोग परमिटेड एक्सप्लोसिव नहीं भी रहेगा तो हम लोग यूज कर सकते हैं। और जब गैसी सिम रहेगा सेकेंड और थर्ड डिग्री का, तो वहां पे परमिटेड तो रहेगा ही परमिटेड एक्सप्लोसिव, लेकिन क्या रहेगा, एक एक्स्ट्रा उसमें सीथेड बोलता है। उसमें क्या रहता है, सीथेड मतलब परमिटेड सीथेड एक्सप्लोसिव, मतलब क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट रहता है, जो एक तरीके से जब ब्लास्टिंग होता है ना तो CO2 प्रोड्यूस करता है। तो CO2 क्या करेगा, आपको बुझाने का काम करता है। तो हम लोग जब गैसी सिम सेकेंड और थर्ड डिग्री रहेगा तो हम लोग को परमिटेड सीथेड एक्सप्लोसिव यूज करना है, ठीक है ना। और जब गैसी सिम और फर्स्ट डिग्री रहेगा तो ये भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल अगर परमिटेड एक्सप्लोसिव रहेगा तो वो यूज कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड और थर्ड डिग्री में क्या होना चाहिए, परमिटेड सीथेड एक्सप्लोसिव, मतलब उसमें क्या, NaHCO3 प्रोड्यूसर मतलब रहता है, प्रेजेंट रहता है, कि जब ब्लास्टिंग होता है ना तो क्या होता है, स्पार्क वगैरह तो प्रोड्यूस होता ही है, लेकिन स्पार्क वगैरह जैसे प्रोड्यूस होता है तो ये जो ब्लास्टिंग होता है इसके कारण क्या होता है, ये CO2 प्रोड्यूस करता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहता है, उसका रिएक्शन होकर वो CO2 प्रोड्यूस करता है। और जैसे CO2 प्रोड्यूस होता है तो क्या करता है, CO2 एक तरीके से आग को बुझाने का काम करता है, तो चिंगारी वगैरह जो भी होता है वो बुझ जाता है। तो सेकेंड और थर्ड डिग्री में इक्विवेलेंट सीथेड एक्सप्लोसिव यूज कर सकते हैं, और फर्स्ट डिग्री में क्या है, सीथेड भी रहेगा तो और बढ़िया रहेगा, फर्स्ट डिग्री के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परमिटेड एक्सप्लोसिव, दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट डिग्री पूरा रिएक्शन नहीं लिखे हैं, NaHCO3 प्लस CO H2O वगैरह रिलीज होता ही है, उसको बैलेंस करना होगा, साथ में न सोडियम वाला जो है उसका भी अलग से कुछ निकलता है। लेकिन चीफ इंस्पेक्टर का परमिशन लेकर है ना, परमिटेड एक्सप्लोसिव अगर नहीं भी है तो कोई दूसरा एक्सप्लोसिव है तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि फर्स्ट डिग्री में परमिटेड एक्सप्लोसिव या परमिटेड सीथेड एक्सप्लोसिव यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं रहा तो चीफ इंस्पेक्टर के परमिशन लेके हम लोग दूसरा एक्सप्लोसिव भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री गैसी सिम रहेगा तो हम लोग वहां पे परमिटेड सीथेड एक्सप्लोसिव यूज करेंगे, क्योंकि सीथ में क्या प्रेजेंट रहता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये जब ब्रेक होता है तो ये CO2 प्लस H2O रिलीज करता है, तो CO2 एक तरीके से क्या करता है, आपको बुझाने का काम करता है। अब क्या है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रेगुलेशन वन, कि ये सब रेगुलेशन वन जो पढ़े हैं इसमें, कि इसके इफ ब्लास्टिंग इज डन इन एनी स्टोन ड्रिफ्ट, या स्टोन ड्रिफ्ट में हम लोग को ब्लास्टिंग करना है और सिंकिंग शाफ्ट में ब्लास्टिंग करना है। अभी क्या था हम लोग को, कि हम लोग स्टोन ड्रिफ्ट रहा जहां पे कोल्ड लश नहीं रहेगा, या कोई शाफ्ट रहा जो अभी सिंकिंग ही हो रहा है, वहां पे हम लोग परमिटेड एक्सप्लोसिव नहीं भी रहे तो हम लोग ब्लास्टिंग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर स्टोन ड्रिफ्ट में ब्लास्टिंग करना है, ये एक ड्रिफ्ट हो गया, और दूसरा क्या है, सिंकिंग शाफ्ट में ब्लास्टिंग करना है विद इन 5 मीटर ऑफ एनी कोल सीम, मतलब क्या, ये ड्रिफ्ट हो गया, इस ड्रिफ्ट में ब्लास्टिंग करना है, और ये ड्रिफ्ट जो है 5 मीटर विद इन 5 मीटर कोल सीम है, या शाफ्ट सिंकिंग प्रोग्रेस में है और इसमें भी विद इन 5 मीटर के रेंज में कोई कोल सीम आ जा रहा है, और इन कोल मेजर ड्रिफ्ट और इन स्टेबल शाफ्ट फ्रॉम वन सीम टू अनदर, तो उस केस में ओनली परमिटेड एक्सप्लोसिव ऑफ सच टाइप एज रिक्वायर्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर शैल बी यूज्ड।
ये ध्यान देना है कि किस केस में सिंकिंग शाफ्ट या स्टोन ड्रिफ्ट में हम लोग वहां पे भी परमिटेड एक्सप्लोसिव ही यूज करेंगे, जब है कि विद इन 5 मीटर में कोई कोलसिम लाई कर जाएगा या कोल मेजर ड्रिफ्ट रहेगा, या स्टेपल शाफ्ट भी होता है ना कि एक लेयर एक लेवल को दूसरे लेवल जोड़ने के लिए, इसमें को बना रहे हैं, अगर इसको ब्लास्टिंग करके भी बना रहे हैं ठीक है ना, ऊपर से नीचे एक लेवल जोड़ रहे हैं, तो उस केस में भी अगर 5 मीटर के अंदर कोई सिम लाई कर जा रहा है तो उस केस में हम लोग सिर्फ परमिटेड एक्सप्लोसिव यूज करेंगे या उस टाइप के एक्सप्लोसिव यूज करेंगे, परमिटेड एक्सप्लोसिव सच टाइप जिसे कि चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा जो बताया जाएगा वही यूज करना है ठीक है ना। और अगर कहीं स्पेशल डिफिकल्टी एग्जिस्ट कर रहा है या स्टोन ड्रिफ्ट में या सिंकिंग शाफ्ट के बनाने के दौरान, तो उस केस में चीफ इंस्पेक्टर एग्जम्पशन दे सकता है, सब पावर चीफ इंस्पेक्टर के पास है, वही बोलेगा कि नहीं परमिटेड एक्सप्लोसिव यूज करना है, वही बोलेगा अच्छा चलो तुमको एग्जम्पशन देते हैं, वो सारा डिपेंड करता है कि तुम चीफ इंस्पेक्टर से जाके किस तरीके से डील करते हो, किस तरीके से उससे बातचीत करते हो, किस तरीके से उसके सामने अपना बात रखते हो, किस तरीके से उसको समझाते हो ठीक है ना।